पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स वापस जा रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, और आज गाड़ियों में जा रहे हैं, पहले बस में जाते थे। वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम के सीनियर मैनेजर, और नसीम शाह आज यहाँ टेक्सास स्टेट के अंदर जो फेमस सवारी है ट्रक, उसके ऊपर सफ़र कर रहे थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उनको डाला का वर्ड यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे फोर ट्रक, ये देखिए नसीम शाह इस गाड़ी पे जा रहे हैं हैंड वेव करते हुए। आज बॉलर्स आए थे पाकिस्तान टीम की तरफ से, शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रो, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर आज होटल में रहे, उन्होंने रेस्ट किया। ये दूसरी गाड़ी है जिसमें हारिस रो और शाहीन शाह अफरीदी हैं। बारिश के बायस जल्दी स्टेडियम से वापस जाना पड़ रहा है। ये गुज़श्ता दो दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। ये वो गाड़ी जिसमें वहाब रियाज थे, और ये नसीम शाह पाकिस्तान टीम के कॉबॉय जा रहे हैं वापस होटल में। तो ट्रेनिंग में काफ़ी दुश्वारी हो रही है पाकिस्तानी टीम को यहाँ डैलस में, क्योंकि बारिशें जो हैं वो लगातार इस शहर में हो रही हैं, जिसके बायस डैलस में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन आज भी मुतासिर हुआ है, कर पा रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर रोज ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान को जल्दी खत्म करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए टीम ने प्रैक्टिस की और उसके बाद ये ओवर्स करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डैलस में इस वक्त वेदर की क्या सूरत-ए-हाल है। क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में भी दो मैच बारिश के बायस पाकिस्तान के वेस्ट हुए, और इसका डिसएडवांटेज, और अब भी आप देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को है कि यहाँ स्टेडियम के बाहर के क्या मनाजर है, साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह का वेदर इसके पास टीम यहाँ पर मिला है, जिसकी वजह से तैयारियाँ सही तौर पर नहीं कर पा रही है, अपने वर्ल्ड कप की तैयारियाँ नहीं कर पा रही है। ये नहीं है, ये डैलस के मनाजिर देखिए, पहले बंदे को लाइन अप कर लो ना, फिर उसके बाद उस तरफ खड़ा हुआ है, उसको पूरा घूम के यूं आना पड़ेगा। हाँ तो उसको को आ जा, गाड़ी पे है वो आ जा, हम तसल्ली के साथ फिर यहाँ खड़े होकर काम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं भी एक एस ड्राइव कर लेता हूँ। बात क्या करते हैं, इनको खुश रखना पड़ता है। चलो ये कौन